हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल कंप्यूटर पोर्टल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर, जो कि हमारा फुल्ली बेस्ड होगा सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस में, या कह लीजिए रिड्यूस सिलेबस में, यानी कि जो डिलीटेड पोर्शन है वो इसमें नहीं रहेगा। और गाइस ये भी बता देना चाहिए, जो आपको मैं सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा ये सीबीएसई के बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। आपको मालूम होगा कि सैम्पल पेपर में जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो जो मैं आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा वो बिल्कुल न्यू एडिशन का होगा गाइस। सो गाइस चलिए बिना टाइम को है वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में जाना है, आपको वहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है गाइस। आप जैसे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट आ जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बायोलॉजी क्लास 12 क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन रिवाइज सिलेबस ऑफ सीबीएसई 2021 विद सॉल्यूशन पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करना भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन, दिस सैंपल वे बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस ऑफ 2021, मैंने आपको पहले बताया दिया था रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। क्वेश्चन एंड आंसर बोथ, यानी कि क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है, राइट। तो टेंशन लेने की आपको बात नहीं है, आपको बस क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर कोई डाउट होता है तो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं। फिर ऐसे कि एसर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन भी हैं इसमें, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी है, और दिस सैम्पल कंटेंट्स जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसमें 10 सैम्पल पेपर होंगे और एक ना सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है जो हमारा आया था अक्टूबर के महीने में वो वाला सैम्पल पेपर, राइट। तो इसमें ऑल इन वन है तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसे नहीं, मैं आपको एक सैम्पल पेपर के लिए एक सैम्पल पेपर वन आपको दिखा देता हूँ डेमो के लिए, राइट। देख सकते हैं ये हमारा लिखा हुआ 70 मार्क्स का है, 3 आवर्स का है और बायोलॉजी का है, राइट। फिर देखिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से एसर्शन रीजन स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अब प्री बोर्ड में स्कूल में प्री बोर्ड वगैरह दिए होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नहीं ये भाई रिड्यूस मतलब जो सीबीएसई का न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर, राइट। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करके बोर्ड में जाइएगा तभी तो आपका पेपर और अच्छा जाएगा। फिर देख सकते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हैं, राइट, और इसी में एसर्शन रीजन भी, राइट। फिर ये हमारा दूसरा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर फिगर्स होते हैं, राइट। फिर आपसे अब जनरल क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, फिर बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन सी से हमारा चालू हो जाता है अच्छे क्वेश्चंस आने, राइट। तो आप इन सब की ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं चेक करने हैं तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो हमारे इस सैम्पल पेपर में यानी कह लीजिए सीबीएसई के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बायोलॉजी में अब 33 क्वेश्चन आएंगे, राइट, जिसमें इंटरनल चॉइस आपको मिलेगा, यानी कि और पार्ट नहीं इंटरनल मिलेगा, राइट। देख सकते हैं काफ़ी और पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट। अब देखिए 33 क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिया, अब इसका चलिए सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो जाता है इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, इसीलिए इतना बड़ा आंसर हो गया, नहीं तो अगर एक्सप्लेनेशन इधर डायरेक्ट होता ना तो इतना बड़ा नहीं होता, राइट। फिर उसके बाद देख सकते हैं यहाँ एसर्शन रीजन के जो क्वेश्चन होते हैं उन सब में भी एक्सप्लेनेशन दिया, जिसकी वजह से आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको लिखना नहीं होगा पर यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ जिससे आपको समझ में आ जाए अगर आपके मन में कोई डाउट है, राइट। देखें काफ़ी जो जनरल क्वेश्चन थे वो सब भी हैं, राइट, यानी कि सभी क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिल जाते हैं। बायोलॉजी में फिगर्स भी आते हैं तो आप फिगर की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ फिगर्स भी हैं, राइट। फिर वर्ड प्रॉब्लम आपको इतना ज़्यादा आपको ना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्ज़ाम में छोटा ही लिखना होता है, पर आप इससे ना हेल्प ले सकते हैं आंसर लिखने में, राइट, इसके आइडिया को देख सकते हैं, राइट। देख सकते हैं ये हमारा 33 क्वेश्चन का आंसर था, राइट। ये टोटल पीडीएफ 188 पेज का है, इसके बाद हमारा सैंपल पेपर 2 चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि भाई ये सैंपल पेपर सही में न्यू सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग, राइट। तो अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसको डाउनलोड करना, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड पीडीएफ का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, फिर आपसे अपना फेवरेट ब्राउज़र क्लिक कर ओपन कर लीजिएगा, ड्राइव का लिंक है ड्राइव में ओपन हो जाएगा, राइट। फिर देख सकते हैं आपको यहाँ पे आप डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आप इस पर डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ड्राइव से डाउनलोड करना आता ही होगा गाइस।
उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सैम्पल पेपर के बारे में और इसको डाउनलोड करना भी क्या है। अगर आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा हो और हमें कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और भी स्क्रॉल करके नीचे आना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा यू कैन हेल्प अस बाई डोनेटिंग स्मॉल अमाउंट। आपको डोनेट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपना अमाउंट, ईमेल आईडी और अमाउंट डाल देंगे, फिर उसके बाद आपने किसी भी अपने वैलेट से दे सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है बाय द वे, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने दें जल्दी से, पूरी कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो से इतना ही, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।